नमस्ते दोस्तों, सनातन धर्म को मानने वाले माता वैष्णो देवी की महिमा गाते नहीं थकते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में कलयुग में लोगों के कष्ट हरने के लिए देवी देवताओं के नाम जप के साथ साथ कथाएं भी बेहद उपयोगी बताई गई हैं। स्थान और काल में भेद की वजह से कथाओं में भी कुछ अंतर पाए जाते हैं। बस मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, प्रभु कृपा अवश्य करते हैं। वैसे तो माता वैष्णो देवी से जुड़ी कई कथाएं हैं, पर जो कथा सबसे अधिक प्रचलित है आगे मैं आपको वही बताने वाली हूँ। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वैष्णो देवी ने अपने एक परम भक्त पंडित श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी लाज बचाई। माता ने पूरे जगत को अपनी महिमा का बोध कराया। तब से आज तक लोग इस तीर्थ स्थल की यात्रा करते हैं और माता की कृपा पाते हैं। कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में माँ वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान होने से दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। माँ वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच आकर बैठ गए। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गईं, पर माँ वैष्णो देवी वहीं रहीं और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दिया। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौट कर आते समय गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए जमा हुए। तब कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए वह कन्या भैरवनाथ के पास गई। तब उसने कहा कि मैं तो खीर पूरी की जगह मांस खाऊंगा और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी माँ ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ ने जानबूझकर अपनी बात मनवानी चाही। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माँ ने उसके कपट को जान लिया। माँ वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से बाण पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जलधारा में उन्होंने भी अपने केश धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पवित्र जल को पीने या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती है। इस दौरान माता ने गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे वहां तक आ गया। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वो आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गई। जब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर थे और उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया, भैरव ने फिर भी हार नहीं मानी। जब वीर लंगूर निढाल होने लगा, तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत की भैरव गाठी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है।
इस स्थान पर माँ महाकाली दाएं, माँ महासरस्वती मध्य और माँ महालक्ष्मी बाएं पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमा दान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की है। उन्होंने न केवल भैरव को पूर्ण जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद करीब 3.25 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके भैरवनाथ के दर्शन करने जाते हैं। इस बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गई। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडों की पूजा की और अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई, वे उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उसके वंशज देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। आज भी 12 मास वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। सच्चे मन से याद कर पर माता सबका बेड़ा पार लगाती है। तो ये थी दोस्तों माता वैष्णो देवी की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों हंसिए, खेलिए, खुश रहिए, जिंदगी का मजा लेते रहिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही रोचक जानकारियों के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।